हेलो एवरीवन, आज हम झटपट बनने वाला पुलाव बना रहे हैं। तो झटपट बनने वाले पुलाव को बनाने के लिए हमें चाहिए कुकर। कुकर में हम डालेंगे तेल, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर उसमें लंबा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं हम इसमें, प्याज, मटर और आलू। तो जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें हम एक कटा हुआ आलू जो है डाल देंगे। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। एक मिनट के लिए इसे हिलाएंगे, फिर उसके बाद इसमें एक कटोरी मटर हम डाल देंगे। एक कटोरी मैंने चावल लिए हैं, तो एक कटोरी ही मटर मैंने इसमें डाले। उसे एक मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसमें आधा चम्मच जो है हल्दी का ऐड कर देंगे। हल्दी और नमक, सिर्फ यही दो मसाले हम यूज़ करने वाले हैं और कुछ नहीं। हल्दी डाल करके इसे हल्दी को पका लेंगे। एक दो मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं, तो दो कटोरी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी हमेशा डबल डालना है, जो भी कटोरी का या गिलास का आप माप ले रहे हैं उसके हिसाब से। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। चावल ऐड करेंगे सबसे पहले। मैंने चावल को 3 बार धो करके 5 मिनट के लिए भिगो दिया था, तो उसके बाद ये चावल जो है मैंने पानी निकाल करके चावल ऐड कर दिए। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक जो है हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके देखिए। नमक जो है थोड़ा तेज़ होना चाहिए, जैसे समुद्र का पानी होता है ना, तेज़ लगता है पीने में, बिल्कुल वैसा। अब एक सीटी आ गई है कुकर में। अब ये बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को। जब कुकर डी प्रेशराइज हो जाएगा तो हम उसे खोल करके देखेंगे। हमारे पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म प्लेट में परोसें और इन्जॉय करें झटपट बनने वाले टेस्टी पुलाव।